अवैध तरीके से अमेरिकी सीमा पार करने की कोशिश में गिरफ्तार होने वाले भारतीयों की संख्या में इस साल 3 गुना इजाफा हुआ है। अमेरिकी कस्टम और सीमा सुरक्षा CBP ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। CBP के प्रवक्ता साल्वाडोर जमोरा ने बताया कि तस्कर समूहों को $25,000 से $50,000 के बीच पेमेंट कर मेक्सिको से अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने वालों में बड़ी संख्या भारतीयों की है। जमोरा के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के अंत 30 सितंबर तक करीब 9,000 अवैध प्रवासी भारतीयों के गिरफ्तार होने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष यह आंकड़ा 3,162 था, यानी एक ही साल के अंदर 3 गुना उछाल। जमोरा ने बताया कि इस साल अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले करीब 4,000 भारतीय मेक्सिको कैलिफोर्निया से लगे 3 किमी लंबे बॉर्डर फेंस से घुस आए। कई लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि मेक्सिकैली बॉर्डर अमेरिका में घुसने का सबसे सुरक्षित रास्ता है। अप्रवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाले वकीलों का कहना है कि अमेरिका में पनाह के लिए घुसने वाले ज्यादातर भारतीय या तो निचली जाति के होते हैं या फिर अंतरजातीय विवाह की वजह से मौत की धमकी पाने वाले। जमोरा ने कहा, पकड़े जाने पर अप्रवासी आमतौर पर वही दस्तावेज पेश करते हैं जो बाकी अवैध रूप से घुसने वालों के पास होते हैं। अमेरिका जब उन्हें छोड़ देता है तो तस्करी करने वाले फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं।